Hello everyone, I am Mamta Jain, lecturer electronics from GPC CHITTORGARH. आज हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे. सबसे पहले नंबर सिस्टम क्या होता है. नंबर सिस्टम सिंपली एक सिस्टम होता है जो नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है. जब भी हम कंप्यूटर में कोई की या कोई स्पेशल कैरेक्टर कोई अल्फाबेट प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर उसको नंबर में कन्वर्ट कर लेता है बिकॉज कंप्यूटर ओनली नंबर ही अंडरस्टैंड कर सकता है. वेरियस नंबर सिस्टम डेसिमल बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल इनके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं. हमारे सिलेबस में चार तरह के नंबर सिस्टम दिए हुए हैं. सबसे पहले देखते हैं हम डेसिमल नंबर सिस्टम को. डेसिमल नंबर सिस्टम जो डेली लाइफ में यूज किया जाता है वो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है. डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट्स होती है फ्रॉम 0 to 9, इसलिए इसका बेस भी 10 होता है. नेक्स्ट वन इज बाइनरी नंबर सिस्टम. बाइनरी नंबर सिस्टम में ओनली 2 डिजिट्स होती है 0 and 1, इसलिए इसका बेस भी 2 होता है. ओनली 2 डिजिट्स होती है. नेक्स्ट वन इज ऑक्टल नंबर सिस्टम. ऑक्टल नंबर सिस्टम में टोटल 8 डिजिट्स होती हैं 0 to 7, इसलिए इसका बेस भी 8 होता है. नेक्स्ट वन इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल 16 डिजिट्स होती हैं फ्रॉम 0 to 9 एंड देन ए बी सी डी ई एफ. हियर ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 11, सी इज इक्वल टू 12, डी इज इक्वल टू 13, ई इज इक्वल टू 14 एंड एफ यहाँ पे 15 को रिप्रेजेंट करता है. हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 16 डिजिट्स होती है इसलिए इसका बेस भी क्या होता है 16 होता है. ये जो चार नंबर सिस्टम हमने पढ़े हैं इसको एक टेबल में समराइज किया हुआ है यहाँ पर. सबसे पहले बाइनरी नंबर सिस्टम बेस 2 होता है, डिजिट्स ओनली 0 and 1 यूज कर सकते हैं. इसका एक एग्जांपल यहाँ शो किया. ये एग्जांपल ब्रैकेट में नीचे बेस 2 करके शो हुआ है. ये बेस 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो नंबर गिवन है ये बाइनरी नंबर सिस्टम में गिवन है. नेक्स्ट ऑक्टल बेस 8 होता है, डिजिट्स 0 to 7 यूज की जाती है. एग्जाम्पल दिया हुआ है सेम बेस 8 लगाया हुआ है, मतलब ये जो एग्जाम्पल है ये ऑक्टल नंबर सिस्टम का एग्जाम्पल है. डेसिमल नंबर सिस्टम बेस 10, डिजिट्स 0 to 9 यूज की जाती है. यहाँ पर एक एग्जाम्पल किया हुआ है बेस 10 में. लास्ट वन इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बेस 16, डिजिट्स 0 to 9 एंड देन ए टू एफ. यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ब्रैकेट में नीचे बेस 16, मतलब ये जो नंबर है ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में गिवन है. नेक्स्ट टॉपिक जो है सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग हमें ये जो चारों नंबर सिस्टम है हमें एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना आना चाहिए. तो हम अब इनके कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे. कन्वर्जन कैसे करते हैं. सबसे पहले देखिए हम डेसिमल टू बाइनरी ऑक्टल और हेक्साडेसिमल कन्वर्जन पढ़ते हैं. हमें कोई नंबर गिवन है डेसिमल में, अगर वो ओनली इंटीजर नंबर है मीन्स वो पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर है तो उसको अगर कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे. अगर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम उसको कंटिन्यूअसली 2 से डिवाइड करते जाएंगे. ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो उसको कंटिन्यूअसली 8 से डिवाइड करते जाएंगे. और उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसको कंटिन्यूअसली 16 से डिवाइड करते जाएंगे. अगर कोई फ्रैक्शन नंबर है मीन्स राइट हैंड साइड ऑफ पॉइंट का अगर कोई नंबर दिया हो तो उसके लिए दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं. अगर किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है तो हम उसको कंटिन्यूअसली 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे. ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो कंटिन्यूअसली 8 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे. और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसको कंटिन्यूअसली 16 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे. अब ये जो डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन की जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये कैसे करते हैं आगे एग्जाम्पल में देखिए. सबसे पहले देखो हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन पढ़ते हैं. इसमें हमने एक एग्जाम्पल लिया है 156 इन डेसिमल, इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है. तो मैंने पिछली स्लाइड में दिखाया था कि अगर इंटीजर पार्ट है तो उसमें डिवीजन का प्रोसेस यूज करते हैं. तो हम 156 को 2 से डिवाइड करेंगे. ये जो है 78 इसको क्वेश्चेंट बोलते हैं और जो नीचे आया है 0 ये है हमारा रिमाइंडर. हमने इसको 2 से डिवाइड किया है. देन अब क्वेश्चन और रिमाइंडर को हम नोट डाउन करते जाएंगे. क्वेश्चन को इधर लिखेंगे और रिमाइंडर को इस साइड लिखेंगे. अगेन हम 78 को 2 से डिवाइड करेंगे. अगेन 78 को 2 से डिवाइड करने पर क्वेश्चन 39 है एंड रिमाइंडर है 0. अगेन 39 को 2 से डिवाइड करेंगे. देन आंसर इज क्वेश्चन 19 एंड रिमाइंडर इज 1.
अगेन 19 को 2 से डिवाइड करेंगे, देन 9 को 2 से डिवाइड करेंगे, देन 4 इस तरह से हम कंटिन्यूअस डिवीजन करते जाएंगे। ये डिवीजन हम तब तक करेंगे जब तक यहाँ पे जो है 2 से लेस देन नंबर नहीं आ जाए। यहाँ पे 1 आया है जो 2 से लेस देन है, अब आगे डिवीजन की प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। अब हम यहाँ स्टॉप कर देंगे। ये जो 1 है इसको नीचे कॉपी कर देंगे, इसको बोलते हैं MSD मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, एंड इसको बोलते हैं LSD लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ये जो रिमाइंडर है हम इसको बॉटम टू टॉप नोट डाउन करेंगे, 1 देन 00 देन 111 एंड 00। ये आंसर है, ये 156 इन डेसिमल, इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल हमने एक फ्रैक्शन नंबर लिया है 0.625, इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। पिछली स्लाइड में मैंने बोला था कि अगर कोई फ्रैक्शन नंबर होता है तो उसके लिए हम डिवीजन की प्रोसेस नहीं यूज करते, उसके लिए हम मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस यूज करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस कैसे यूज करते हैं, देखिए सबसे पहले जो नंबर है 0.625 इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, टू से मल्टीप्लाई करने पर 1.250 आया है। अब इसमें हम इंटीजर पार्ट को छोड़ देंगे 1 को, एंड अगेन फ्रैक्शन पार्ट को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीजर पार्ट है 1 उसको अगेन छोड़ देंगे और फ्रैक्शन पार्ट को हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, नाउ फ्रैक्शन पार्ट 0 हो गया है एंड इंटीजर पार्ट 1। ये जो इंटीजर पार्ट आया है फर्स्ट प्रोसेस में 1 देन नेक्स्ट में 0 अगेन 1, इसको हम टॉप टू बॉटम नोट डाउन करेंगे, 1 देन 0 एंड देन 1, एंड यहाँ पॉइंट पुट कर देंगे। ये 0.625 जो डेसिमल में है ये उसका बाइनरी कन्वर्जन है। एक एग्जांपल और देखते हैं जिसमें इंटीजर एंड फ्रैक्शन पार्ट दोनों हैं। हम दोनों को अलग अलग से कन्वर्ट करेंगे, पहले इंटीजर पार्ट को डिवीजन वाली प्रोसेस यूज करके कन्वर्ट करेंगे एंड फ्रैक्शन पार्ट को मल्टीप्लिकेशन वाली प्रोसेस यूज करके कन्वर्ट करेंगे। 197 को मैं कंटिन्यूसली 2 से डिवाइड करूंगी, क्वेश्चेंट इज 98 एंड रिमाइंडर इज 1। अगेन 2 से डिवाइड करने पर क्वेश्चन इज 49 एंड रिमाइंडर इज 0। अगेन 2 से डिवाइड करने पर, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, इस तरह से हम कंटिन्यूअसली डिवीजन करते जाएंगे। नाउ 1 आ गया है, आगे डिवीजन पॉसिबल नहीं है, इस 1 को हम नीचे लिख लेंगे और इसको MSD टू LSD फ्रॉम बॉटम टू टॉप नोट डाउन करेंगे, 1100 101। ये हमने इंटीजर पार्ट को कन्वर्ट कर लिया है और फ्रैक्शनल पार्ट के लिए सेम वही प्रोसेस यूज करेंगे, 0.84 मल्टीप्लाई बाय 2, 1.68 आया है। इंटीजर पार्ट को छोड़ देंगे, फ्रैक्शनल पार्ट को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन इंटीजर पार्ट को छोड़ के फ्रैक्शनल पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन इंटीजर पार्ट को छोड़ के फ्रैक्शनल पार्ट से मल्टीप्लाई किया, इस तरह से कंटिन्यूअस मल्टीप्लाई करने पर हमें इंटीजर पार्ट जो है ओनली उसको टॉप टू बॉटम नोट डाउन करना है। सबसे पहले मिला है 1 देन 1 देन 0 एंड 1 और यहाँ पे एक पॉइंट पुट कर देना है। ये प्रोसेस हम 3 or 4 टाइम्स करेंगे, दोनों जो आंसर है उनको कंबाइन कर लेना है, इट्स 1100101.1101।
ये जो है 197.84 इन डेसिमल, इसका ये बाइनरी कन्वर्जन है। नेक्स्ट क्लास में हम डेसिमल टू ऑक्टल एंड डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन पढ़ेंगे। थैंक यू।